अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि जो नौजवान 4 साल सेना में सेवा प्रदान करके बाहर निकलेंगे, उन्हें आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। मुझे खुशी है कि इन अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभाग में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। यदि वे कोई भी काम करना चाहेंगे तो उन्हें सस्ती दर पर कर्ज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्री ने आगे बताया कि देश की सेनाओं में अग्निवीर केवल नए लाने भर का काम नहीं है, बल्कि उन्हें वही क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएगी जो आज सेनाओं के जवानों को मिल रहा है। ट्रेनिंग के समय भले ही छोटा होगा, मगर क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा। इन 8 सालों में हर भारतीय सेना ने यह महसूस किया है कि इस समय भारत में एक ऐसी सरकार है जो भारतीयों की चिंता केवल अपनी सरहदों के भीतर ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोनों में करती है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात करते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करते हैं। यह भारत की डिप्लोमेसी लीडरशिप की क्वालिटी को दर्शाता है। तो वहीं रक्षा मंत्री ने कहा, इस योजना को पूर्व सैनिकों के साथ लगभग 2 साल तक विचार विमर्श करने के बाद ही लागू किया गया है और इस संबंध में आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है, हम चाहते हैं कि लोगों में देश के लिए अनुशासन और गर्व की भावना हो। रक्षा मंत्री ने किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर कहा है, अग्निपथ योजना के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शनों के राजनीतिक कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष में रहे या फिर सत्ता में जो भी राजनीति करते हैं वह देश के लिए होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि क्या हमें देश के जवानों का मनोबल गिराना चाहिए, यह सही नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अनुबंध के आधार पर जवानों की भर्ती की जाएगी, जिसके बाद उन्हें 75% की पेंशन के बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। शेष 25% को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। इन जवानों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।